दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप गूगल पे अकाउंट को कैसे बना सकते हो। साथ में आपको ये भी बताऊंगा अगर आप पहली बार गूगल पे एप्लीकेशन में अकाउंट बना रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको 21 रुपए का कैशबैक मिलता है, वो कैसे मिलेगा सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को एकदम से ध्यान से देख, लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना। चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक गूगल पे को नहीं डाउनलोड किया तो मैंने कमेंट में एक लिंक दे दिया है, तो आप वहां पर जाइए और गूगल पे की जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे, उसके बाद वहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके की गूगल पे एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आप बैंक में यूज करते हो, यानी कि आपका मोबाइल नंबर बैंक में लिंक होना चाहिए और उस नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए, भले ही आपके मोबाइल नंबर पर 99 रुपये का रिचार्ज क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं अपने नंबर को डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर इस तरीके की एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। 18 साल नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी पर एज को एडिट कर लेना। तो यहाँ पर भाई मैंने जो जीमेल आईडी में 18 साल एज है तो इसने भाई जीमेल आईडी को वेरीफाई भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने गूगल पे का जो एप्लीकेशन है इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इस वाले पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस वाले पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपके सामने गूगल पे का जो इंटरफेस है देखने को इस तरीके का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट। अगर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड मनी बैंक अकाउंट, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जो आप बैंक इसमें, यहाँ पर आपको वो बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी बैंक है तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक। मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक बार आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी सिम सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि दोस्तों जो सिम आपने जिस नंबर को आपने गूगल पे में डाला है उसी सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज होगा तभी आपकी जो बैंक है वेरीफाई हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ वेट कर लेना है। यहाँ पर जो बैंक है दोस्तों वेरीफाई हो चुकी है, पर दोस्तों बोल रहा है कि सेट। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेट यूपीआई नंबर पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करो तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अपना नाम डाल देना है। जैसे कि दोस्तों मेरा टेक्निकल उपदेश यहाँ पर नाम दिखा दे रहा है तो यहाँ पर मैं अपने नाम को चेंज कर लेता हूँ। नाम डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो ये आप लोग एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो बैंक है वो पूरी तरीके से ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 21 रुपये का कैशबैक लेने के लिए आपको UPI या फ़ोन नंबर से 1 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए हम UPI से पेमेंट करेंगे। तो अगर आपके पास UPI आईडी नहीं है तो यार UPI आईडी स्क्रीन पर आप लोग ये देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पे UPI आईडी और नंबर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी UPI आईडी डाल देता हूँ।